अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। आज हम माशाल्लाह अपनी गंदम की कटाई करेंगे और हमारी जो गंदम का खेत है वो माशाल्लाह बिल्कुल पक चुकी है। माशाल्लाह आप जो देख रहे हैं बिल्कुल पक चुकी है और ये हमारी गंदम है और इसकी हम आज जो है कटाई करेंगे अपने हाथों की मदद से। ये जो आप मेरे कंधे पे दरंती देख रहे हैं तो इस दरंती की मदद से हम इसको काटेंगे। किस तरह से काटी जाती है ये गंदम और किस तरह से हम इनको काटेंगे तो वो सारा मंजर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और गंदम की कटाई जो है तकरीबन दो तरीक़ों से होती है, एक जो है मशीन की मदद से और दूसरी जो हाथों की मदद से जो हम काटेंगे इस वक्त, वो सारे मंजर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ी रहेगा, कहीं से वीडियो को मिस मत करना। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। माशाल्लाह अभी हम जो है कपड़ा अपने सर को बांधेंगे क्योंकि धूप ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि हमें कहीं धूप लग जाए और हम बीमार पड़ जाएँ या बीमार हो जाएँ। तो पहले हम अपने सर को जो है कपड़ा बांध लेंगे। कपड़ा बांधने के बाद हम अपना शुरू करेंगे अभी काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पैसे वाले लोग होते हैं ये काम तो वो जानते ही नहीं कि किस तरह से काम होता है। ये जो माशाल्लाह कटाई है दो तरीक़ों से होती है, एक हाथों की मदद से जो अभी हम इस वक्त काट रहे हैं और दूसरा जो होता है वो मशीन की मदद से इनकी कटाई होती है। वो मंजर मैं आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। अभी जो हम कटाई कर रहे हैं अपने हाथों की मदद से जो आप इसको देख रहे हैं। ये माशाल्लाह काम तो है तो मुश्किल, लेकिन क्या करें हम गरीब लोग हैं और जहरी सी बात है अगर ये काम भी हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और इतनी महंगाई है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, अल्लाह ना करे कहीं ऐसा हो जाए। और हालात जो अभी हम देख रहे हैं बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और हम मेहनत करते हैं अपनी वीडियोज़ बनाते हैं और आप दोस्तों के हम सिर्फ हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जड़ जो है माशाल्लाह सब्ज देख रहे हैं, इसी वजह से सब्ज हैं या इसी वजह से ये कच्चे हैं माशाल्लाह, क्योंकि ऊपर जो ये खजूर के दरख्त खड़े हुए हैं और इनका साया पड़ने की वजह से ये जो माशाल्लाह अभी तक कच्चे हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को लाजमी अच्छी लगी होगी। तो मेरा काम था आपको कटाई दिखाना किस तरह से माशाल्लाह गंदम की कटाई होती है। ये आप सकते हैं माशाल्लाह जो हमने कटाई की है और ये आप सारा कुछ देख रहे हैं पीछे जो हमने कटाई की है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई निसार अहमद को देना इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।